अमृतसर में लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भी डर नहीं है। वे आए दिन लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। गोलीबारी की घटनाएं आम हो गई है, लेकिन शहरवासी अंदर से डरे हुए हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं अमृतसर में बजेट मंडी जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर आज गोलियां चलने की घटना सामने आई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें पता चला है कि दो युवक एक्टिवा पर सवार होकर बैंक के पास से गुजर रहे थे और दो मोटरसाइकिल सवार युवक उनके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था पीछे से आए और एक्टिवा सवार युवकों पर गोली चला दी। एक गोली का चला हुआ कारतूस भी मिला है। जानकारी मिली है कि युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम घायल युवकों की पहचान कर रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं। ये पता चलाया जा रहा है कि ये कौन युवक है जिन्हें गोली मारी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर बैंक के कर्मचारी ने बताया कि हम बैंक का कैश चेक करने वाले थे कि अचानक गोली चलने की आवाज बाहर आई। बाहर दो युवक थे जिन्हें गोली लगी और एक युवक का खून बह रहा था, उसके पैर से भी खून बह रहा था। उसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। वहीं वाना ने बताया कि उनके बैंक से कोई लेन देन नहीं है। वही गोली बाहर एक राहगीर को लगी और दो युवकों ने फायरिंग की है। सर यहीं जो 10 बजे अपना कैश कुछ खोलन लगे हैं अंदर हाँ है तो बाहरों आई गोली की आवाज़ फिर अं वेख्या तो उन्ने चर तक एक सट लगे ही बंदे दे जे लटेरे वो भज भुज गया उन्होंने पता कौन ही कौन नहीं कि सर बाहर ही कोई राहगीर ही कोई जा रहा है वो को खोए उन्हें साढ़ा कस्टमर नहीं कोई नहीं जी नहीं हाँ जी हाँ जी पिछों कोई लड़ते लुड़द आए इतने अं सीधा नहीं वेख्या तो भजया उदो चल गए मुड़ के पुलिस 5-7 मिनट बाद आ गई पुलिस एक ही गोली दवा जाएगी सर पता नहीं लगी तो नहीं लगभग खून वग रहा सिर चो दोनों जन हाँ जी सर वो आड़े खलोते नहीं लागे चल गए मगरे उन्होंने फिर हॉस्पिटल जाके दाखिल हो गया आप दोनों जने हाँ नहीं पता जी कुछ कह नहीं सकते अहीं अपने अंदर हाँ नहीं जी बैंक नाल कोई नहीं है जिहड़े जिन्हां जिहड़े जख्मी हुए उन्हां नाल हजे साडी गलबात नहीं हुई। इत्थे मौके ते इह बैंक दे इक एम्पलॉई सीगे मैडम सीगे उन्होंने जो देखिया हैगा उन्हां दे देखण मुताबिक दो बंदे एक्टिवा ते आ रहे सीगे ते जिहड़े जिन्हां ने क्राइम कीता हैगा वह भी दो बंदे सी उन्हां दे मूँह ते कपड़ा बन्निया होया सी। उन्हां ने जिहड़े अगे आ रहे सीगे उन्हां दे उत्ते जिहड़े बट मारे हैगे एक जड़ी एक फायर की आवाज़ आई है तो एक ही कोल मिले बाकी हजे पूरी तफ्तीश चल रही है। उस तो बाद जी सर पूरा मामला है कि किन्ने बजे घटना हुई है और किन्ने बंदे जख्मी हुए कितनी लुट हुई सर जिहड़े जिन्हां जिहड़े जख्मी हुए उन्होंने हजे साडी गलबात नहीं हुई। इत्थे मौके ते इह बैंक दे इक एम्पलॉई सीगे मैडम सीगे उन्होंने जो देखिया हैगा उन्होंने देखण मुताबिक दो बंदे एक्टिवा ते आ रहे सीगे ते जिहड़े जिन्होंने क्राइम किया हैगा वह भी दो बंदे सी उन्होंने मूँह ते कपड़ा बन्निया होया सी उन्होंने जिहड़े अगे आ रहे सीगे उन्होंने उत्ते जिहड़े बट मारे हैगे है वो की है रिवॉल्वर है पिस्टल है कट्टा है उहदे बारे हजे असीं श्योर नहीं बट मारे ते जदों मैडम अंदर चले गए फिर इन्हां ने एक फायरिंग की आवाज़ सुनी है तो सानू इतों एक खाली खोल भी मिले अजे तक साढ़े को यही इनफॉर्मेशन है जो भी अगर तफ्तीश जिम्मे चलती है तो वो जख्मी जो नेड़े किसी हस्पताल गए अभी देख रहे हैं उत्तर जाके फिर उन्होंने पूछगिछ कर नहीं बैंक का कोई लेना देना नहीं बैंक का कुछ नहीं होया नहीं नहीं वो पिछू ही आ रहा कितने उन्हें अगे कितने जाना बैंक ना कोई रिलेशन नहीं हैगा बैंक दे एम्प्लॉई सीगे जिन्होंने देखा कि इत्थे ये वारदात हुई। कुछ पता लग सका किन्ने पैसे लुटे गए ने सर वही कह रहे हैं ना जिहड़े जख्मी हुए है किसी नेड़े हस्पताल च गए है असीं उत्थे जाके वेरीफाई करदे हां असीं तुहानूं पूरी इनफॉर्मेशन फिर सीसीटीवी हैगी है जी नेड़े हैगे ने असीं हुणी अजे मौके ते आए हैगे हां असीं चैक करदे हां उत्थे सारी गल क्लीयर होगी। पता लगा गोलियां किन्नी चलियां सर एक जिहड़ी एक फायर दी आवाज़ आई है तो एक ही खोल मिले बाकी हजे पूरी तफ्तीश चल रही है उस तों बाद दस्सां।